सो इस वक्त हर तरफ विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की चर्चा है। एग्रीड, विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाती है, दर्शाती है। हाल ही में रिलीज हुई इस फिल्म का एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर डंका बजाना शुरू हो गया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। जी हाँ, हाल ही में डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी पीएम मोदी से भी मिले, जब मोदी ने द कश्मीर फाइल्स के साथ साथ फिल्म की पूरी टीम की तारीफ भी की है। और रिएक्शन जाने से पहले, नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया पे, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोज, लाइक ऑल द वीडियोज दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें, थैंक यू। जहां पीएम मोदी संग मेकर्स की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं। और अभिषेक अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी संग मुलाकात की कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की हैं। साथ ही में लिखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इस मुलाकात को और खरास बनाते हैं और उनके शब्द जो उन्होंने द कश्मीर फाइल्स के लिए बोले हैं, इस फिल्म को प्रोड्यूस करके हमें गर्व महसूस हो रहा है, थैंक यू मोदी जी, एंड दीज वर द वर्ड्स ऑफ द प्रोड्यूसर। वहीं विवेक अग्निहोत्री ने भी एक ट्वीट पर पीएम मोदी का आभार जताया है और अभिषेक की तारीफ भी की है। वह द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों की उस वक्त की कहानी को दिखाया गया है जब 90 के दशक में उन्हें अपने ही राज्य से निकाल दिया गया था। जब पीएम मोदी ने मेकर्स की तारीफ की है और कहा है कि इस विषय पर फिल्म बनाने की उनमें बहुत हिम्मत है और उन्हें जो ये हिम्मत दिखाई है दैट एक्चुअली डिजर्व्स एन एप्रिसिएशन। जहां द कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पुनीत इस्सर, मृणाल कुलकर्णी और मिथुन चक्रवर्ती समेत कई कलाकार मौजूद हैं। बात करें द कश्मीर फाइल्स की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की, तो मैं आपको बता दूं कि 11 मार्च को रिलीज हुई इस पर्टिकुलर फिल्म ने पहले दिन इसने 3.50 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया। ये फिल्म महज 700 स्क्रीन पर रिलीज हुई है और कमाई के मामले में इस फिल्म ने प्रभास की राधे श्याम को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR में मात दे दी है। वहीं बात करें कंगना रनौत की, तो मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत ने लिखा है कि कृपया द कश्मीर फाइल्स को लेकर इंडस्ट्री में छाए सन्नाटे को नोटिस करिए, ना केवल कहानी बल्कि बिजनेस भी कमाल का रहा है। फिल्म के लिए जो निवेश किया गया और जो प्रॉफिट है, अगर उसे देखा जाए तो ये साल की सबसे सफल और फायदे वाली फिल्म साबित हो सकती है। इसने बड़े बजट की जो इवेंट फिल्में हैं या VFX वाली फिल्मों को लेकर कई मिथ्स तोड़ दिए हैं और ये कई मिथ्स को तोड़कर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है। जब मल्टीप्लेक्सेस में सुबह 6 के शो भरे हुए हैं और इस पर यकीन करना मुश्किल है। जहां मैं आपको बता दूं कि द कश्मीर फाइल्स का बजट 14 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि 2 में ही फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। जहां मैं आपको बता दूं कि फिल्म का निर्देशन विवेक अग्निहोत्री ने किया है, जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें अनुपम खेर के साथ मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल है। पीएम मोदी का रिएक्शन और कंगना रनौत का रिएक्शन, इन सब रिएक्शन पर और द कश्मीर फाइल्स पर आपका क्या टेक है, डू लेट अस नो अबाउट दैट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू DNP इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग DNP इंडिया।